Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today's topic is Class 12th Commerce Study Plan. जी हाँ दोस्तों, अगर आप अगले साल क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आप ही के लिए है, और अगर आपकी जान पहचान में कोई स्टूडेंट अगले साल क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहा है, अभी क्लास 12th में पढ़ता है, तो प्लीज उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक क्लास 12th में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, स्कोर करने के लिए साल भर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, और हम बेसिकली तीन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, जिसे आईएससी में कॉमर्स कहा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंसी की, और अकाउंटेंसी में सबसे पहले इन्होंने बोला कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन कंपनी अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड पार्टनरशिप। हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो कंपनी अकाउंट्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है और पार्टनरशिप है, इसे साल भर प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिलेबस में बहुत बड़ा पार्ट होता है। कंपनी अकाउंट्स बहुत बड़ा हिस्सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी बहुत बड़ा है, और पार्टनरशिप में तो आपको मालूम है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप होता है, फिर एडमिशन होता है, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, तो ये भी बहुत बड़ा है। कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, फिर फोरफीचर ऑफ शेयर होता है, फिर इश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स होता है, फिर डिवेंचर्स होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है हमारा अकाउंटेंसी में। तो आपको साल भर ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। दूसरा इन्होंने बोला, दीज कैरी 60% वेटेज इन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ये तीनों चीज मिला करके टोटल 60% या कई बार 60+% के इनके वेटेज होते हैं। 60% से ज्यादा मार्क्स इन तीनों क्वेश्चन, मतलब इन तीनों टॉपिक से पूछा जाता है, तो आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से साल भर प्रिपेयर करना है। अगला इन्होंने बोला, वन शुड ऑल्सो गो थ्रू ऑल इलस्ट्रेशन फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में जो बोर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इलस्ट्रेशन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, और अगर आईएससी की बात करूं तो आईएससी में इलस्ट्रेशन के साथ साथ बैक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रेशियो एनालिसिस के लिए आप खास तौर पे इलस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन से ही रेशियो एनालिसिस के ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला, वन मस्ट आल्सो प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक बुक आती है जिसमें 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ सैंपल पेपर जो बोर्ड इशू करता है आप उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला, अपार्ट फ्रॉम दिस A secondary or reference book is must since there are limited questions in NCERT book. CBSE के students के लिए NCERT की जो किताबें होती हैं उसमें बहुत limited questions होते हैं, limited जानकारी होती है, तो ये specially CBSE के students के लिए है कि उनको एक secondary book या एक reference book लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, और वहां से वो तैयारी करें। अगर हम ISC की बात करें तो ISC कि जो बुक आती है, जैसे इकोनॉमिक्स में फ्रैंक आती है, और वो जो भी पढ़ाई करते हैं वो डीके गोयल से ही पढ़ाई करते हैं क्लास 12th में आईएससी के लिए, तो उनके लिए उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक सेकेंडरी रेफरेंस बुक लेना बहुत जरूरी है। आगे इन्होंने बोला कि आप चूज कर सकते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग बाय सीएस गरेवाल या अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th बाय डीके गोयल। आपको ध्यान ये रखना है कि अकाउंटेंसी जो है वो कॉमर्स के लिए एक मेजर स्टडिंग पार्ट है, ठीक है, क्लास 12th में स्पेशली, और आपको इसे साल भर थरली प्रिपेयर करना है, साल भर थरली स्टडी करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या और टेक्निक्स होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज टिप्स हेयर आर सम अदर टेक्निक्स, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर फीचर्स, मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ वेरियस थियरी टॉपिक्स। तो अकाउंटेंसी में जितने भी थियरी टॉपिक्स हैं उसमें आपको फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि दिस इज द की टू अचीव फुल मार्क्स इन थ्योरी क्वेश्चंस। तो थ्योरी क्वेश्चंस में पूरे नंबर अचीव करने के लिए ये एक की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप हर टॉपिक, हर थ्योरी का फीचर, मेरिट और डीमेरिट अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। दीज नॉट ओनली नीड टू बी मेमोराइज बट ऑल्सो टू बी प्रैक्टिस बाय राइटिंग। तो देखिए, याद कीजिएगा तो याद करने वाली चीज मेमोरी में रहती है, लेकिन अगर आप उसे याद करने के साथ लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी मेमोरी के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स भी देखी जाती है, तो इसे आप याद भी करें और साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करें। आगे इन्होंने बोला, देर आर लॉट फॉर्मूलाज विच आर अप्लाइड इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली रेशियो एनालिसिस में। स्टूडेंट्स शुड नॉट जस्ट रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज एंड शुड अंडरस्टैंड हाउ दैट फॉर्मूला इज डिराइव्ड एंड व्हाट केस और मोटिव इट इज मेड फॉर।
तो आपको ध्यान ये देना है कि जो भी फॉर्मूला है वो किस केस के लिए है, ठीक है, किस मोटिव के लिए है, और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, रीजन क्या है ये फॉर्मूला बनाने के पीछे, ये फॉर्मूला का मतलब बेनिफिट क्या है, कहाँ पे ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं, स्पेशली रेशियो एनालिसिस में जो फॉर्मूला है, या अगर मैं बोलूँ पार्टनरशिप में सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें या प्रॉफिट गेनिंग रेशियो की बात करें, तो इसमें जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका मोटिव जान लीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आगे इन्होंने बोला, मेकिंग अ फॉर्मूला चीट शीट फॉर एवरी चैप्टर इज अ गुड हैक टू सी दीज अगेन एंड मेमोराइज देम बाय हार्ट, नेवर फॉरगेट टू डू ऑल कैलकुलेशन स्टेडिली एंड विथ प्रॉपर अलर्टनेस एंड काम। इन्होंने बोला कि हर चैप्टर का आप एक चीट शीट बनाइए, मतलब एक शीट में, एक पेपर में आप हर चैप्टर का फॉर्मूला लिखिए और उसे बार बार देखिए और मेमोराइज कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज करना जरूरी है, और इसे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कीजिए, ध्यान लगा के प्रैक्टिस कीजिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, प्रैक्टिस के टाइम जितनी गलती हो जाए चलेगा, एग्जामिनेशन गलती करने के लिए नहीं होता। और आगे इन्होंने बोला है कि नेवर फॉरगेट टू राइट नरेशंस अलोंग विद इट। देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो कंपनी अकाउंट्स है उसमें जब भी हम शेयर्स डिबेंचर्स की जब भी जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो हर जर्नल एंट्री के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें नरेशन लिखना पड़ता है। तो नरेशन के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ आंसर, और उसके भी मार्क्स होते हैं, तो उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और वो लिखना मत भूलिएगा। इफ यू हैव प्रैक्टिस ड्रॉइंग फॉर्मेट्स, दिस कैन सेव योर प्रीशियस टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। साल भर अगर आपने ड्रॉइंग की प्रैक्टिस की है, ड्रॉइंग की प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि कोई ग्राफ है, अकाउंटेंसी में बेसिकली जो जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं ना, डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, ये सारी चीजें अगर आपने साल भर प्रैक्टिस की हैं तो एग्जामिनेशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत तेजी से कर लेंगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अगला इन्होंने बोला, अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड ट्यूशन सेल्फ स्टडीज मस्ट। हमेशा याद रखिएगा, ये तो मैं भी जानता हूँ और इसका वैल्यू मैं भी समझता हूँ कि सेल्फ स्टडी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और सेल्फ स्टडी में वर्ड टू वर्ड पढ़िए, वर्ड टू वर्ड जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्कूल में आपको मालूम है कैसे पढ़ाया जाता है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करा देते हैं या 2 दिन में एक चैप्टर करा देते हैं, कितने कितने के सारे जो इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, वो स्किप करा दिए जाते हैं। ट्यूशन में भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, जो ट्यूशन वाले जो ट्यूटर्स होते हैं वो जो पढ़ाते हैं हम बस उसी पे फोकस करते हैं, तो वो जो स्किप कराएंगे वो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो उस सारी चीजों को डिटेल में जानने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स फॉर लेटर रिविजन्स। तो एग्जाम से पहले रिविजन के लिए आप साल भर जो पढ़ाई कर रहे हो उसके नोट्स बनाइए, कॉपी को संभाल करके रखिए, एग्जाम के पहले काम देने वाली वही सारी चीजें। आगे इन्होंने बोला, दीज टॉपिक्स अपियर इन द बोर्ड एग्जाम एवरी ईयर एंड स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली स्टडी दीज। तो ये जो टॉपिक्स अभी बताए गए हैं ये टॉपिक्स हर साल बोर्ड में आते हैं, और आपको ये स्टार्टिंग से डे वन से पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, उसका फोर फीचर और री इश्यू, ठीक है। आप पार्टनरशिप से भी शुरू कर सकते हैं या आप कंपनी अकाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, तो जब भी आप पढ़ाई करें तो इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जर्नल एंट्रीज, उसका फीचर्स, उसके फोर फीचर्स, ठीक है, उसका री इश्यू। आगे इन्होंने बोला, फ्रॉम पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जो पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप सीरियसली करें, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये था हमारा अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को आपको इस हिसाब से साल भर प्रिपेयर करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज, स्टिक टू द सिलेबस, जो भी सिलेबस दिया गया है आपको उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना है। आगे इन्होंने बोला, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम डे वन एज द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेरी वास्ट एंड रिक्वायर सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, आईएससी में तो माइक्रो मैक्रो भी पढ़ाया जाता है, बैंकिंग भी है इसमें, ठीक है। तो आपको डे वन से इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ पढ़ने को मिलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम स्टडी करने के लिए मिलेगी, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए साल भर का टाइम जरूरी है। आगे इन्होंने बोला, दिस इज अ सेक्शन दैट प्रोमिसेस टू टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम व्हाइल स्टडिंग कॉमर्स फॉर क्लास 12th। तो ये जो इकोनॉमिक्स का ये जो पार्ट है, इकोनॉमिक्स है, ये बहुत टाइम लेगा आपका, तो इसे आप स्टार्टिंग से पढ़िए और अच्छा टाइम दीजिए। ब्रश अप योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स,
तो जो भी रीजनिंग स्किल्स है ना, देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि जब भी हम माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम रीजन जानना चाहते हैं कि नेशनल इनकम बढ़ा तो क्यों बढ़ा, जीडीपी कम हुआ तो क्यों हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा तो क्यों बढ़ा, ये ग्राफ राइट वर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है। तो ये रीजन, अगर आपको रीजनिंग पता चल गई, इन सारी चीजों के पीछे कारण पता चल गया, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। तो आपको अपना एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल को बहुत मजबूत रखना है अपने इकोनॉमिक्स में। अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स सच एज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बीच में क्या है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बी नीट इन प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स, हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप ग्राफ बनाएं तो आप पेंसिल से ड्रॉ करें, उसे प्रॉपर तरीके से मार्जिन जरूर करें, नीचे फिगर लिखें और बताएं कि ये जो आपने ऊपर ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में प्राइस है, जो भी चीजें उसको आपको डिटेल में बताना है। आंसर का प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ये करने के लिए साल भर की प्रैक्टिस जरूरी है। आगे इन्होंने बोला हाईलाइट अंडरलाइन द साइलेंट फीचर्स, तो अगर आपको डिटेल अच्छी तरीके से मालूम है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो अंडरलाइन करने का मैं आपको आइडिया नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, साल भर आप जानते हैं, तो आपको मालूम है कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे आप साइलेंट, जो पॉइंट्स है उसे आप हाईलाइट कर दीजिए, वो अच्छा रहेगा। मैंने भी किया था अपने बोर्ड्स में, अच्छे मार्क्स मिले थे। वन कैन यूज बुक्स गिवन बाय रिनोन्ड ऑथर्स लाइक संदीप गर्ग, सी बी सचदेवा, टी आर जैन, वी के ओरी एसेट्रा, फ्रैंक जो है ना, फ्रैंक इकोनॉमिक्स वाली, उसमें डी के सेठी, यू एंड्रयूज, तो ये जो रिनाउंड ऑथर्स हैं, इनकी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला अदर इंपॉर्टेंट टिप्स आर गिवन बिलो टू परफॉर्म योर ऑप्टिमम व्हाइल स्टडिंग कॉमर्स फॉर 12th आर। तो 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कुछ और टिप्स हैं, जरा वो भी देखें। इन्होंने सबसे पहला बोला है कि मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर का आप एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि जैसे डिमांड चैप्टर है तो डिमांड, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड, उसके अंदर जो चीजें आती हैं, तो इस तरीके का पूरा फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स, जो भी चीजें आती हैं सबका एक, हर चैप्टर के हिसाब से आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, जो आपके एग्जाम के टाइम रिविजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे इन्होंने बोला प्रिपेयर इफेक्टिव नोट्स ऑफ टर्म्स, डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर वाइज, हमेशा याद रखिएगा कि जो डेफिनेशंस है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है और ऑथर के नाम के हिसाब से याद करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर वाइज आपको याद करना है, इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं, इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं टर्म्स के, जो टर्मिनोलॉजीज हैं हर चैप्टर के पीछे, आपको समरी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मिलती हैं, उसे आपको इफेक्टिवली याद करना है और प्रिपेयर करना है। आगे इन्होंने बोला प्रैक्टिस ड्रॉइंग नीटली लेबल डायग्राम्स, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोशिश करें कि आप पेंसिल से ड्रॉ करें और उसे अच्छी तरीके से प्रॉपरली लेबल करें, एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, लाइन सीधी जा रही है, कर्व जा रही है, कैसी जा रही है, तो बार बार प्रैक्टिस से ही होगा। पेंसिल का यूज इसलिए करना है क्योंकि पेंसिल को आप रब कर सकते हो अगर प्रॉपर नहीं बना, पेन से उतना नीट और टाइडी नहीं होता, और बेसिकली बोर्ड ये सजेस्ट करता है कि जब भी आप डायग्राम बनाएं, चाहे क्लास 9 10th में आपने बायो पढ़ा होगा तो उसमें भी कहा जाता है कि जब भी आप डायग्राम बनाएं तो बायोलॉजी में आप जो भी डायग्राम होता है उसे आप पेंसिल से बनाएं, तो वो सेम चीज अप्लाई होती है इकोनॉमिक्स में भी कि आप जो भी डायग्राम बनाएं, जो भी ग्राफ बनाएं, वो आप क्या करेंगे, वो आप लेबल करेंगे प्रॉपरली पेंसिल से। अनलेबल डायग्राम्स डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग एंड कैन हैव यू लूज सम वेरी प्रेशियस मार्क्स, तो जब भी डायग्राम बनाएं उसको लेबल जरूर करिएगा और इसकी प्रैक्टिस आपको साल भर करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो नंबर जा सकते हैं। आगे कहा है देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्किंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेप्ट और टर्म्स, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशिएशन वाले, सच आंसर्स शुड बी डाउन इन टेबुलर फॉर्म एंड द बेसिस फॉर डिफरेंस मस्ट बी शोन क्लियरली एंड नीटली, स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस ड्रॉइंग ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। आप समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को कई बार बताया, स्कूल में भी जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको मैंने बताया, अपने वीडियोज में भी बताया कि जब भी आप डिफरेंस टेबल बनाएं तो आप सबसे पहले बेसिस जरूर बनाइएगा, सबसे पहला होना चाहिए बेसिस, फिर आप पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और बेसिस के ऊपर आप डिफरेंस बताइए। बोर्ड का ये पैटर्न है और आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है, चाहे आप
जिंदगी में कभी भी, क्योंकि डिफरेंस आपको बताना है तो दो चीजों का ही डिफरेंस बताइएगा, और पैराग्राफ में कभी डिफरेंसेस नहीं बताया जाता, हमेशा टेबुलर फॉर्म में बताया जाता है। ठीक है, तो बेसिस जरूर लिखिएगा। आगे इन्होंने बोला, द कर्व्स एंड फिगर्स शुड बी ड्रॉन विथ प्रिसिशन टेबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज दे शो कैलकुलेशन एंड ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज। लॉट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम चैप्टर्स लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, रेवेन्यूज, कॉस्ट, नेशनल इनकम। समझ गए आप? यहीं पे बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू, कॉस्ट, नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें जो भी टेबल आता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसे आप प्रॉपरली बनाएं, सॉल्व करें। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि प्रैक्टिसिंग इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दीज। इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। आगे इन्होंने बोला, सेल्फ मेड चैप्टर वाइज नोट्स आर एसेंशियल। खुद से बनाइए नोट्स, क्योंकि आपके नोट्स, इसे हमेशा ये टीचर्स भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि अपने नोट्स खुद से बनाइए, दूसरे ने नोट्स जो भी बना करके आपको दिए हैं, अगर आप उसे अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर दीजिए अंडरलाइन करके, तो वो भी एक तरीके का अच्छा नोट्स आपके लिए तैयार हो जाएगा, पूरा अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो भी। ठीक है, तो सेल्फ मेड चैप्टर नोट्स बनाएं। आगे इन्होंने बोला, जैज अप योर नोट्स बाय एडिंग कलर्स टू योर नोट्स एंड अंडरलाइन एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजिंग डिफरेंट कलर पेंस। प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स आल्सो प्रूव्स टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो तैयारी के लिए आपको जो भी नोट्स है उसे हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, और पास्ट ईयर पेपर्स को, सैंपल पेपर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, हर जगह वो प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दिस हेल्प्स टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल्सो अलाउस यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। ये टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत बेनिफिशियल है, और जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। सफिशियंट टाइम बिफोर एग्जाम मस्ट बी अलॉटेड टू रिविजन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हैं उनको एक सफिशियंट टाइम दीजिए एग्जाम से पहले, ताकि अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स की। सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज बोला जाता है, आईएससी में कॉमर्स बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस स्टडीज बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज स्ट्रेस ऑन प्रेजेंटेशन। हमेशा आपको ध्यान ये देना है कि ये एक तो याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, समझ करके याद कर लीजिए आप इसे। ठीक है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि आईसी बोर्ड में वर्ड टू वर्ड आंसर पूछा जाता है, तो आपको वर्ड टू वर्ड लिखने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, साथ ही साथ आपको थोड़ा रटना भी जरूरी है, क्योंकि वो एक हिसाब से, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, वो रट्टाफिकेशन बहुत करते हैं। ठीक है, तो समझने के साथ साथ उसे आपको याद करना है, ये चीज सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। जबकि इन्होंने बोला, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू स्ट्रेस ऑन प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन है कॉमर्स में, उस पर स्ट्रेस देना, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। बिजनेस स्टडीज कैन बी क्रैक्ड जस्ट अ बिट ऑफ फोकस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो बिजनेस स्टडीज, देखिए एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ते कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, वो समझते हैं कि वो खुद कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे कर भी पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जरूरत होती है, क्योंकि जब भी उसको पढ़ाया जाता है, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं वो भी नहीं बोल रहा आपको, लेकिन जब भी आप पढ़ते हैं किसी टीचर से, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देते हैं, जो आपका बेस है, 11th 12th आपका बेस है, जहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझना जरूरी है। कोचिंग में मत पढ़िए ना, ऑनलाइन यूट्यूब में वीडियोस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन से आप पढ़ाई कर लीजिए, तो वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिजनेस स्टडी को क्रैक करने के लिए आपको फोकस जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है, क्योंकि कई बार ना इसमें केस स्टडीज पूछी जाती है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। रिमेंबर ऑल हेडिंग्स एज दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी। हेडिंग्स का मतलब कीवर्ड्स। ठीक है, जो भी कीवर्ड्स हैं, हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के अंदर के जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, उसे आपको याद रखना है। स्पेशली इन्होंने बोला एनसीईआरटी की जो बुक है उससे, ये सीबीएसई वालों को प्रेफर किया गया है, जो आईएससी वाले हैं उनके जो स्कूल में बुक चलती है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा, वो हेडिंग्स याद रखिएगा, उसे अपने मन से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्लास 12th में नहीं चलती। इवन इफ यू फॉरगेट एनी इन द पेपर, ट्राई टू राइट अ सिमिलर पॉइंट और हेडिंग विच इज रिलेवेंट टू द क्वेश्चन आस्क। मतलब समझ रहे हैं, अगर आप कोई पॉइंट भूल जाते हैं, छूट जाता है आपसे, तो उसे स्किप ना करें, छोड़े ना, उससे रिलेटेड कोई सिमिलर पॉइंट जरूर लिख के आए और एक्सप्लेन करें।
ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखिएगा तो जीरो मिलेगा, कुछ लिख के आइएगा तो भैया हो सकता है पूरे मार्क्स मिल जाए गलती से, लिखा हुआ तो है। देर आर वेरियस क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ वर्ड्स लाइक एन्यूमरेट और लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है एन्यूमरेट और लिस्ट से, तो इनको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, पूरी लिस्टिंग करनी है आपको, पूरा डिटेल में सारे पॉइंट्स बताने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में इन्होंने बोला, इन सच क्वेश्चंस ओनली पॉइंट्स नीड टू बी गिवन, ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स इन वेरियस क्वेश्चंस नीड नॉट एक्सीड 5 to 6 lines। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लिखे और उनका एक्सप्लेनेशन 5 6 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे इन्होंने बोला, दिस इज सिंपली बिकॉज द क्वेश्चन शुड नॉट बी रिटन ऑन एंड ऑन एज दिस कैन हैव एन अपोजिट इफेक्ट ऑन द एग्जामिनर एंड मे हैव यू लूज मार्क्स जस्ट फॉर एक्सीडिंग वर्ड लिमिट। तो क्वेश्चन एज इट इज नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट होता है, तो कई बार होता है क्या कि बच्चे क्वेश्चन भी लिख देते हैं आंसर शीट में, क्वेश्चन आपको आंसर नंबर लिखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है वो ये है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो आपको ये भी बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज एज फॉलोज, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस देर आर ऑल्सो क्वेश्चन लाइक डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, तो इसके साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट जो दिया है ना, क्या इस स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं, तो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप अग्री करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, इन सच क्वेश्चन ऑल्दो यू शुड इंक्लूड पॉइंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स बट डू नॉट फॉरगेट योर ओन व्यू पॉइंट और ओपिनियन, क्योंकि आपका ही ओपिनियन पूछा जा रहा है। Such questions have almost 50% weightage to students' own opinion and understanding of concepts. Certain other tips to handle business studies while studying commerce of class 12th are as follows. इसके आगे इन्होंने कहा है कि जो स्टडी एज पर द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, तो एनसीईआरटी बुक्स में जो सीबीएसई ने सिलेबस प्रेस्क्राइब किया उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें। अगर आप आईएससी के हैं तो जो भी आपका सिलेबस है, बोर्ड ने आपको सिलेबस दिया है, आप उस सिलेबस के हिसाब से अपनी किताब में पढ़ें। ठीक है, आगे इन्होंने बोला, ट्रीट एनसीईआरटी बुक एज बाइबल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हैव देम रीड एंड अंडरस्टूड इन डेप्थ। अगर आपके पास नहीं है, लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं, लाइब्रेरी में अगर नहीं मिल पा रहा है तो फ्रेंड से बोरो कर लें, लेकिन एक बार जरूर पढ़ें। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन आपको फ्री में मिल जाएगा, आप एक बार डाउनलोड करके सिर्फ एक बार गो थ्रू हो जाइए कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। आगे इन्होंने बोला, स्टूडेंट्स शुड आल्सो लुक अप टू अदर रेफरेंस बुक फॉर बेसिक एक्सप्लेनेशन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको दूसरी रेफरेंस बुक अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं, अगर है तो वेरी गुड, आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लीजिए और वहीं से आप आंसर्स के एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अगला इन्होंने बोला, कुछ पॉपुलर बुक है बिजनेस स्टडीज की, पूनम गांधी। पूनम गांधी तो आज भी बहुत फेमस है, 40 साल से फेमस है, जब मैं पढ़ता था तब भी बहुत फेमस थी और पिछले 12 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पूनम गांधी की जो बुक है। सुभाष डे, आर के सिंगला, आर के सिंगला भी अच्छी है आईएससी के लिए, आर के महाजन, सी बी गुप्ता, जी एस अलग, ये सारे का सारा आप अच्छी तरीके से इनमें से कोई भी चूज करके आप तैयार कर सकते हैं। अगला इन्होंने बोला, डेफिनेशंस आर टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली अलोंग विद द मीनिंग। ठीक है, डेफिनेशंस को समझना जरूरी है, मैंने जो वीडियोस बनाया उसमें डेफिनेशंस को समझाया है मीनिंग के साथ, तो बहुत जरूरी है। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड रीजनिंग बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, तो कोई भी कॉन्सेप्ट के पीछे क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक है, ये हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना प्रिपेयर करना जरूरी है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज गो थ्रू इट हुई है, और कोई किसी स्टूडेंट से अगर आप शेयर करेंगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।